अस्सलाम वालेकुम। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमने डिफरेंशिएशन करनी है सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से। ठीक है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। हमारे पास फंक्शन है 2 माइनस आयोटा इंटू z की पावर 5 प्लस आयोटा z की पावर 4 माइनस 3z² प्लस आयोटा 6। ठीक है, आप डायरेक्टली जिस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड किया जाता है हम उसको करेंगे। हमने z के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है और हमारे पास क्या आ जाएगा, 5z की पावर 4। इसी तरह से जी फोर पे अगर हम करेंगे अप्लाई तो वो क्या बन जाएगा, 4z की क्यूब। इसी तरह से जी स्क्वायर पे करेंगे तो हमारे पास वो 2z आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 10 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा इंटू z की पावर 4 प्लस z4 c³ आयोटा माइनस 6z। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास z6 माइनस 1 z² प्लस z माइनस 5 आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं हम पहले इसका जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए। हमने इसको दोनों साइड पे पहले हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट जो ब्रैकेट में वैल्यूज हैं उनको उस पे डेरिवेटिव लगाना है, देन सेकंड पे भी लगाना है, यानी कि f(x) पे लगाना है, f(z) पे लगाना है, देन हमने किस पे लगाना है, g(z) पे। तो सबसे पहले हमने जो पहले दूसरे वाले पे लगाया और z की पावर 6 माइनस 1 एज इट इज़ लिखा जाएगा, और दूसरे वाले पे लगाएंगे तो जी स्क्वायर जो था वो 2z बन जाएगा। इसी तरह से जो जो 2 था वो 0 हो जाएगा और -1 बच जाएगा और -5 आयोटा जो था वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हमने प्लस का साइन लगा के हमने जो है फर्स्ट फंक्शन पर हमने लगाना है तो वो क्या बन जाएगा, 6z की पावर 5। तो मज़ी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2z की पावर 7 माइनस 2z प्लस 2 की पावर 6 प्लस z की पावर 6 प्लस 1 6z 7 माइनस 6z की पावर 6 प्लस 6z की पावर 5 माइनस 3 30 आयोटा z की पावर 5। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट पे हमारे पास जवाब आ जाएगा 8z की पावर 7 माइनस 7z की पावर 6 प्लस 6 एंड ऑल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5f(z) = अब हमारे पास ये फ्रैक्शन में है तो हमने इसको क्या करना है, पहले हमने इसको इसके ऊपर डेरिवेटिव जब हम अप्लाई करेंगे तो वो क्या होता था कि f(z) सेकेंड वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव माइनस g(z) क्या होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फिर सेकंड वाले का डेरिवेटिव और फर्स्ट उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाया है, पहले हमने नीचे वाले ऊपर वाले का डेरिवेटिव सॉल्व करना है और 3z + 1 - i जो है वो ऐसे आ जाएगा। माइनस का साइन लगाते हुए जब हम ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करें, जो चीज़ कट हो सकती है वो कटिंग होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, -6z + 6z से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 3z का स्क्वायर iota + 2z iota - 2 + 2z + 2 iota / 3z + 1 - iota²। मजीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 2 को बाहर कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद सिंपल सा हमारे पास फंक्शन है z की पावर 4 - 2 iota z का स्क्वायर + 10z और पावर क्या आ जाएगी, 10। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 हमने पीछे ले आना है और हमारे पास z की पावर 4 - 2 iota z का स्क्वायर + z की पावर क्या आ जाएगी, 9। ठीक है, और फिर जब हम दूसरे का डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z की पावर 4 z³ - 4z iota + 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन द प्रॉब्लम वी प्रोसीड एज एन एग्जाम्पल 3 में हमने जिस तरह से किया है उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जी क्या होता है, x + iota y, तो जी की पावर क्या हो जाएगा, यानी कि कॉन्जुगेट ले लेंगे तो वो x - iota y आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने इसको प्रूफ करना है ना, तो हमने अगर डेल्टा जी जो है वो पुट कर देना, डेल्टा जी पुट करेंगे तो हमारे पास x + Δx - y + Δy - iota आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अब इसमें से हमने क्या करना है, f(z) से माइनस करना है तो सिंपली आपने क्या करना है, -x + y iota आ जाएगा। आप डिवाइड करना है डेल्टा जी से तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पर जो चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है, x x से कैंसिल हो सकता है और -y iota y से कैंसिल हो सकता है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास सिंपली क्या जवाब रह जाएगा, Δx - iota Δy / Δz। ठीक है, तो इफ़ अगर हम जी डेल्टा जी को अप्रोच करवाते हैं 0 तो डेल्टा जी इन द अलॉन्ग द लाइन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने यहाँ पर डेल्टा जी की अगर वैल्यू लिख देते हैं तो हमारे पास लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा 0 तो Δx + Δx क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह से अगर लिमिट ऑफ वाई, अगर हमारे पास डेल्टा वाई अगर हम अप्रोच करवाते हैं 0 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो एज वी अप्रोच f(z) फ्रॉम डिफरेंट लाइन्स वी गेट डिफरेंट लिमिटिंग values, therefore limit doesn't exist, hence function is differentiable nowhere. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम
नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।